नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी कटियार। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिजनौर में बड़े जानवर की कुर्बानी पर लगी रोक को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज न पढ़कर विरोध जताया। साथ ही जिला प्रशासन पर दूसरे पक्ष का साथ देने का आरोप भी लगाया। और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुर्बानी ना होने से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नहीं पढ़ी नमाज, कुर्बानी से किया इनकार, गांव में पसरा सन्नाटा। बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र में आज बड़े जानवर की कुर्बानी पर लगी रोक को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ने मस्जिद में ना जाकर ईद की नमाज ना पढ़कर अपना विरोध जताया और जिला प्रशासन को दूसरे पक्ष के लोगों के साथ हमसाज होने का आरोप लगाया। मुस्लिम लोगों का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने बड़े जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी तथा पुलिस भी हमारा साथ न कर दूसरे पक्ष के लोगों का साथ दे रही है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ने क्षेत्र में भारी फोर्स को तैनात किया है। कुर्बानी को लेकर इस क्षेत्र में दोनों समुदायों में मामला गरमाया हुआ है। मामला बढ़ा तो कल देर शाम दोनों समुदायों के लोग थाने पहुंच गए और थाने में हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों पक्षों को लेकर समझाने लगे की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तुम सब लोग नंगे घूम रहे हो, कपड़े भी सही नहीं पहने, ईद नहीं मना रहे? हमने ईद नहीं बनाई है, हमारे घर में कुर्बानी नहीं हुई है। और क्या मैं पुलिस प्रशासन ने सरकार ने ईद पर रोक लगा दिया। हमारी पहले से ही 50 साल से कुर्बानी होती आई है, हमने समारोह ही हमने ईद नहीं मनाई है, नमाज भी नहीं। सब बच्चों ने कपड़े भी नहीं पहने? नहीं, कपड़े भी नहीं पहने हैं। पूरे गांव में यही गम का माहौल है, पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, बहुत माहौल बेकार रखे हैं। ईद क्यों नहीं मनाई है? ऐसे हम रोज रह रहे थे, ऐसे ही हम रोज रह रहे हैं, कपड़े पहन के क्या करते हैं? हमारे नमाज हो ना हमारा कुर्बानी हो, कपड़े पहन के भी क्या होता जब ईद ना हो, कुर्बानी ना हो रही हो। पुलिस प्रशासन, मैं गांव शिवाला कला का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर, थाना शिवाला कला। आज हम पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में ईद उल अजहा नहीं मनाई जा रही, क्योंकि प्रशासन ने हमारे साथ जुल्म किया है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से कुर्बानियाँ होती चली आई हैं और हमने अपने आबा व अजदाद के ज़माने से कुर्बानियाँ देखी हैं। आज प्रशासन ने हमारे साथ जुल्म करके हमारी कुर्बानी को रोक दिया है और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए पूरा गांव हमारा जो है शोक में डूबा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों, मैं पूरी दुनिया को ये खिताब देना चाहता हूँ कि आज हमारे इस गम की पूरी मतलब बात ऐसी है, आप सारे के सारे लोग मिलके हमारे गम में शरीक हों और जितने भी देश के नेता हैं, जितने भी हमारे उलमा हैं और जितने भी हमारे कौम के रहबरान कौम हैं, वो हमारे इस गम को समझे और इस गम को समझकर ये बताएं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। शिवाला कला में जो अब ये लोग ईद नहीं मना रहे, ये क्या मामला है, इसे बताइए जरा। शिवाला कला में लोग कुछ लोग हैं जिनको कुछ आपत्ति है, कुछ विवाद था जिसको लेकर से उनसे अनुरोध किया गया था कि आप लोग थोड़ा वक्त दें ताकि हम गांव की ही समिति बना करके इस संबंध में निर्णय ले सकें। और जिस तरह से आप लोग पूर्व में मनाते रहे हैं, परम्परा रवायत के हिसाब से आप अपना यहाँ पर छोटे की कुर्बानी यहाँ कर लें गाँव में और बड़े की कुर्बानी जैसे कि नगमा सादात में करते हैं वहाँ करें। इस संबंध में छोटे से समूह ने अपना प्रतिरोध व्यक्त करते हुए कहा है कि नहीं, हम नहीं मनाएंगे, लेकिन अधिकांश, जहाँ तक मेरे पास अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अधिकांश लोगों ने इसमें त्यौहार मनाया है और अपने घरों में वो खुशी खुशी त्यौहार मना रहे हैं। मैं सभी लोगों को बकरी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हिंदू संगठन के लोगों ने बड़े जानवर की कुर्बानी पर इस बार रोक लगा दी है, जबकि पिछले 50 सालों से बकरा ईद के मौके पर यहां का मुस्लिम बड़े और छोटे दोनों तरह के जानवरों को ईद के इस मौके पर कुर्बानी देता आ रहा है। कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आज ईद के मौके पर नमाज न पढ़कर और कुर्बानी न देकर अपना विरोध जताया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए क्षेत्र में पीएसी और अन्य पुलिस बल सहित फोर्स को तैनात किया गया। माहौल शांत है और गाँव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। यूपी क्राइम संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। योगी सरकार भले ही सख्त से सख्त कानून अख्तियार कर ले, बावजूद इसके यूपी में भ्रष्टाचार की लगाम नहीं कस पा रही। और अगर बात अवैध खनन की जाए तो खनन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
सीतापुर में लापता 7 साल के बच्चे का शव सुबह मिला, जिससे घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि बच्चा ब्रजरानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, जो कल शाम 4 बजे से अपने घर से लापता था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में एक सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। जहां एक तरफ देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बलिया में कम उम्र की लड़कियों को खुद की सुरक्षा के लिए बिना किसी फीस के कराटे सिखाए जा रहे हैं। बलिया में
अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज़।